आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन के पत्तों की सब्जी। बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन दबा दीजिए कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग में। यहाँ पे मैंने लहसुन के पत्ते ले लिए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से है, और अभी आसानी से मिल जाता है लहसुन के पत्ते। तो मैं इस तरीके से पहले छोटे छोटे तीन चार टुकड़े कर लूँगी कि बाद में काटने में आसानी हो जाए। और जो सूखे पार्ट्स है, जैसे सामने के पत्ते थोड़े से मेरे सूख गए हैं, उसे मैं निकाल के काट के फेंक दूँगी, आप देख इस तरीके से। और जो ताजे पत्ते हैं उनका मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे लहसुन के जो पत्ते सूख गए हैं उसे हम निकाल लेंगे, बाकी हम फेंक देंगे। यहाँ पे मैं पत्तों को बारीक बारीक काट लूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा आधा इंच का हमको कट लगाना है। और इस तरीके से हम सभी पत्तों को बारीक काट लेंगे। आप लोग रियल मानिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, रोटी पराठे चावल के साथ में खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप लोग प्लीज़ इसे बनाइए, ट्राई करिए, मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। आप लोग एक बार बना के ट्राई करिए, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कितना अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे मैंने पत्ते को काट लिया है, लहसुन के पत्ते को, अब हम इसे धो लेंगे। यहाँ मेरे पत्ते पहले से बहुत साफ थे, धुला हुआ ही था, साफ सुथरा ही था, तो मैंने इसे एक बार और धो लिया है। और इसे हम धोने के बाद पानी से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पत्ते मेरे धुल चुके हैं अच्छे से, कोई रेत वेत ना हो तब तक धो लीजिए। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म करने रखा है, पैन गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी का ही यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ मेरे कम पत्ते हैं इसलिए मैंने 1 चम्मच का ही यूज़ किया, अगर ज़्यादा हो तो आप 2 चम्मच यूज़ कर लीजिए। घी गरम होने के बाद इसमें मैंने चुटकी भर डाला है जीरा। जीरा थोड़ा सा चटकने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर मैंने डायरेक्ट अभी तेल पे नहीं डाला क्योंकि अभी गर्म है, एकदम जल ना जाए, लेकिन मैंने गैस की फ्लेम को स्लो ही रखा है। इसे हम एक साथ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को याद रखिए स्लो ही रखिए, घी में पकाते हैं तो ज़्यादा धुआँ उठता है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं लहसुन के पत्तों को ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे, अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा सा मिलाने के बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, इसमें याद रखिए पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि लहसुन के पत्तों में पानी ऑलरेडी रहता है, जब उसे पकाते हैं तो पूरा पानी निकल आता है, तो इसे हम बिना पानी के ही पकाएंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, नमक कम डालिए क्योंकि कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे पानी निकल रहा है पत्तों में से, तो इसे हम स्लो आंच पे ही पका रहे हैं कि पत्ते अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह से पकाते हुए चलाइए, स्लो आंच पे ही थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, चलाते रहिए। उसके बाद हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट पका लेंगे कि पानी अच्छे से निकल जाए, पत्ते अच्छे से पक जाए। तब तक हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसमें मैंने बेसन यूज़ किया है, इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है। इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे सा पेस्ट बना लेंगे। दरदरा नहीं रहना चाहिए, गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए पहले कम पानी से मैं बहुत अच्छा पेस्ट बना ले रही हूँ। इसी तरीके से आप फेंट लीजिए। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से बेसन को फेंटने के बाद, जब बेसन अच्छा फिट जाएगा, दाने दाने सब खत्म हो जाएंगे, उसमें फिर मैं डालूँगी और थोड़ा सा पानी, जिससे मैं बेसन को पतला कर लूँगी। इसी तरीके से मैंने बेसन को अच्छा सा पतला कर लिया है। अब मैंने पैन को कवर ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ निकल चुका है इसमें से, और पत्ते भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे हमारा बेसन का घोल, यहाँ पे डाल दिया है।
और इसे अब अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है। इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए चलाएंगे। इसी तरीके से आप इसे स्लो आंच पे ही इसे मिक्स करिए और इसे मिक्स करते हुए ही चलाइए। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छी खुशबू है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी और पराठे के साथ में बहुत ही अच्छा जाता है। आप इतनी सी सब्जी से बहुत सारी सब खाना खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, आप लोग बनाइए, खाइए और बताइए कि कैसा बना है। मैं इसे स्लो आंच पे ही इसी तरीके से पका लूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, लहसुन की जो खुशबू आती है आपको तो पता ही है। तो यहाँ पर मैंने स्लो आंच ही रखा है और इसे ढक के रख दिया है। 4 से 5 मिनट में स्लो आंच पे ही पका रही हूँ। आप देख सकते हैं साइड से तेल बाहर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे और अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। जब तक कि ये पूरा छूट ना जाए, कढ़ाई से पैन से अच्छे से निकल ना जाए, तब तक एक साथ ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। अभी ये अलग अलग हो रहे हैं लेकिन हमें इसे एक साथ करना है, जिससे मसाला हमारा अच्छे से पक चुका होगा और अच्छे सा फ्लेवर आ जाएगा। इसे इसी तरह से पका लीजिए। अब देख सकते हैं अभी बहुत अच्छे से पक चुका है, सब एक साथ मिक्स हो चुका है और अभी सब्जी अलग अलग भी नहीं हो रही है, एक साथ जुड़ी हुई है। तो इसी तरह हम चलाते हुए पका लेंगे। अभी देखिए आप, बहुत ही अच्छे से एक साथ मिक्स हो चुके हैं, बेसन अच्छे से पक चुका है और मैं इसी तरह से पैन को उलट पुलट करके इस तरीके से उसे पलट के पका ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा लुक लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। सबसे पहली बात, खाने में बहुत टेस्टी है। तो मैं इसे इस तरीके से पैन को पलट पलट के उसको टॉस कर ले रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा चारों तरफ से पक जाए। उसे थोड़ा सा फैलने दीजिए, फिर उसको टॉस करिए, चारों तरफ से हल्का हल्का गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लीजिए और इसे इस तरह से पलटते हुए आप पका लीजिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसी तरीके से मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से पका लिया है। इसे मैंने स्लो आंच पे ही इसको पकाया है, एकदम स्लो आंच पे ही पकाया है कि अच्छे से पक जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसी तरीके से हम पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा दिख रहा है। पहली बात, इसे मैं इसी तरीके से 4 से 5 मिनट तक के ही पकाई हूँ दोनों तरफ से अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूला फूला सा और कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो इसे हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद, हम इसमें प्लेटिंग कर लेंगे। इसे मैंने प्लेट के ऊपर निकाल लिया है। बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मैंने ऊपर से 1 चम्मच घी डाला है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और अच्छी खुशबू आती है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप गर्मा गर्म रोटी के साथ में, चावल के साथ में, आप पराठे के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बनाना बहुत ही आसान है। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट करिए कि आप लोगों ने कैसा लगा है ये वीडियो, खाने में कैसी बनी रेसिपी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।